अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आज़ाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे? आज़ाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी? आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहाँ पे बैठा हुआ है।